अनलॉक तीन में कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में हजारों की संख्या में लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं और प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सैकड़ों की तादाद में लोग वापस अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन घर लौटने से पहले सभी को इंस्टीट्यूशनल या होम क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार के बढ़िया इंतजाम के चलते हमीरपुर जिला में संस्थागत और होम क्वारंटीन किए गए लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमने ऐसे ही कई लोगों से बात की जो संस्थागत के साथ साथ होम क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं। हमीरपुर में 10,000 के करीब बाहरी राज्यों से लोग हमीरपुर पहुंचे थे, जिसमें से 8,500 लोग होम क्वारंटीन किया गया था तो 1,500 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा चुका है। पहले संस्थागत क्वारंटीन और बाद में होम क्वारंटीन रह चुके अनुज शर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा क्वारंटीन रह रहे लोगों के लिए बढ़िया सुविधा दी जा रही है, जिसके चलते ही लोग क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि होम क्वारंटीन के दौरान भी नियमों का सही ढंग से पालन करते हुए बीमारी से बचाव किया है। सर, आप बाहर से आए थे, इस दौरान आप क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन भी रहे, संस्थागत भी रहे, क्या सा एक्सपीरियंस रहा आपका? बढ़िया था। यहाँ पे इंडिया में पहले तो इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि दिल्ली में क्वारंटाइन होना है, फिर हमने पूछताछ की, जानकारी ली दिल्ली जो हमारा हिमाचल संसद है वहाँ से, फिर उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपको दिल्ली में स्टे नहीं करेंगे, आप सीधा हिमाचल में होम क्वारंटाइन या फिर आपका जो क्वारंटाइन सेंटर होगा वहाँ आप ये करेंगे। फिर हम उस तरीके से आए थे 20 जुलाई को, फिर डायरेक्ट यहाँ पे हमारे प्रधान है मंजू भाई, उनसे कॉन्टेक्ट किया था तो उन्होंने सीधा हमें बसंत रिजॉर्ट में क्वारंटाइन करवाया था। उसके बाद खाना पीना वहाँ का बढ़िया था, और भी बहुत थे वहाँ पे, क्वारंटाइन सेंटर था वो तो उसके लिए बढ़िया था, वहाँ पे खाना पीना साफ सफाई हाइजीनिक पूरा था। और उसके बाद फिर 12 दिन के बाद रिपोर्ट आ गई थी, उसके बाद घर में क्वारंटाइन हो गए थे, अपना ऊपर सेपरेट रूम है वहाँ पर क्वारंटाइन हो गए थे। तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद दी गई इस तरह से? प्रशासन की तरफ से तो कोई मदद नहीं, बस ये सही किया प्रशासन ने कि हमारा दिल्ली में क्वारंटाइन नहीं था, दिल्ली में क्वारंटाइन उस टाइम बहुत केस थे कि दिल्ली में, तो वहाँ करना मन चाहते थे हम, बस वो प्रशासन ने अच्छा किया था कि दिल्ली में हिमाचल वालों का स्टे नहीं था। आप इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन रहे हैं, उस वक्त कोरोना काफ़ी हाई अलर्ट पे था, मन में क्या चलता था आपके, क्या लगता था? नहीं कुछ नहीं, हम पूरा सिक्योरिटी से चले थे अपने, मतलब ये काढ़ा कूड़ा जो था ये हमने वहीं खरीद लिया था अपना अलग से, कि आते समय और फ्लाइट में भी पूरा हाइजीनिक, अपनी मास्क वास्क सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, तो उसमें कुछ नहीं, और गर्म पानी हमारा बॉटलें थी तो वही हम पी रहे थे आते भी रास्ते में भी, और यहाँ पार सामने बसंत रिजॉर्ट में था ये भी गर्म पानी की पूरी व्यवस्था करवा रहे थे, और साथ में स्टाफ भी अच्छा था उनका, और बाकी फिर घर में आके पूरा बस ठीक था, अच्छा था। जो आज की डेट में बाहर से आ रहे हैं इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बस अपना सेफ रहें और दूरी बनाए रखें जो बाहर से आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि हम बाहर से आते हैं तो हमें खुद ये चाहिए कि एक महीना हम सबसे दूरी बनाए रखें, उससे क्या है ना वो हमें गलत समझे ना हम उनको, तो अच्छा मैसेज आए बस उसके। आपने कहाँ ठहराया? कहाँ ठहराया हुआ था आपने? ये ऊपर सेवन स्टोरी मेरी खाली पड़ी हुई थी, और पहले जो किसान तक चौथ में था वहाँ पर रहा कॉल सेंटर, छुट्टी होने के बाद जो घर पर भी ऊपर अलग साइड था वहाँ पर रहा, 10-11 दिन वहाँ रहा, खाना हमारा नीचे से सब कुछ खेल, मतलब मुझे कोई घबराने की कोई डर नहीं, क्यों बेटा हमारा हमें पता होता है, अपने बच्चे का पता होता है, आस पड़ोस भी सब ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई परेशानी ठीक। विदेश से लौटे अनुज शर्मा की पत्नी अनु ने बताया कि पहले क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद पति से डर लगा था, लेकिन इस दौरान अपने पति की हर संभव सहायता की है। नहीं सर, डर की बात नहीं है, जैसे महामारी की बात सुनते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है कि माइंड में आता है कि हाँ महामारी चली हुई है, लेकिन जैसे रूल्स हमें गवर्नमेंट ने बताए थे कि कैसे कैसे किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है,
तो फिर जैसे 14 डेज के लिए तो वो पहले क्वारंटाइन रहे बसंत रिजॉर्ट में, उसके बाद उनको घर में शिफ्ट कर दिया गया, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई, वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात हुई क्योंकि थोड़ा जो डर था वो ख़त्म हो गया। फिर 14 डेज वो सेपरेट रहे यहाँ पे, जो भी हमें बताया गया, जो भी हमारे आशा वर्कर थे उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया, जो जो चीज़ें जैसे कुछ एक काढ़ा था आयुष का वो भी हमें प्रोवाइड किया गया कि किस तरीके से उनको डाइट देनी है ताकि उनकी हेल्थ प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, और खाना हम उनको देते थे वो भी हेल्दी खाना, 3 टाइम का सेपरेट जहाँ उनको शिफ्ट करके रखा हुआ था, बाकी सब कुछ स्मूथली चला रहा, कोई प्रॉब्लम की या कोई टेंशन की बात नहीं है। मैडम प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट का कितना सहयोग मिला आपको? सर उनका 100% सपोर्ट रहा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया जो हमारी आशा वर्कर थी उन्होंने टाइम टू टाइम हमें अच्छी गाइडलाइंस दी, ठीक है, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी जो जो भी उनसे बन पड़ता था टाइम टू टाइम हमें कॉल करते थे, मेरे हस्बैंड से उनकी बात होती रहती थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो बस उनका पूरा सपोर्ट रहा। मतलब आशा वर्कर निर्मला देवी ने बताया कि कोरोना महामारी के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करती रही हैं और क्वारंटीन के नियमों का पालन करने के लिए लोगों से सहयोग करती रही हैं। जैसे लोग पास जाते हैं उससे पहले तो हम उनके घर में जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अपने घर में रहें, और जैसे पहले तो क्वारंटाइन इंस्टीट्यूट किया गया था तो उनको वहीं पे उनको क्वारंटाइन किया था, उनके सैंपल भी उठाए जाते थे वहीं से, पर उनको पूरी प्रिकॉशन के लिए बताया जाता था कि आप ऐसे ऐसा किया करो, और जैसे घर में भी बताया गया लोगों को कि अपनी सेफ्टी खुद ही रखो, और जैसे अलग कमरे में उनको रखना है, जैसे 1 महीने 14 दिन की दूरी बनाए रखे। तो मैम ऐसा भी कोई मामला आया कि लोग जो है मान नहीं रहे थे आपकी बात, वो बाहर घूम रहे थे? नहीं सर, वैसे तो हमने उनको ठीक ढंग से समझाया हुआ था, जैसे जाते थे उनके घरों की आप ऐसा करो, पूरे लोग मान जाते थे हमारी बातों को। हाँ जी, ऐसा कोई ये नहीं हुआ हमारे साथ, हमें कुछ बोला। SDM हमीरपुर चिरंजी लाल चौहान ने बताया कि होम क्वारंटीन के अलावा संस्थागत क्वारंटीन के लिए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार काम किया गया है, और शुरू से लेकर अब हमीरपुर में बीमारी से बचाव के लिए बेहतर काम हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक हमीरपुर में 10,000 के करीब बाहरी राज्यों से लोग हमीरपुर पहुंचे थे, जिनमें से 8,500 लोग होम क्वारंटीन किया था, तो 1,500 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा चुका है। लॉकडाउन के बाद लगभग इस उपमंडल में 10,000 लोग आए हैं, और उसमें से लगभग 1,500 लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है, और इसके अतिरिक्त जो 8,500 के लगभग लोग हैं उनका हमने होम क्वारंटाइन उनको किया गया है। सर क्या प्रशासन की तरफ से जैसे कोई उन्हें सुविधा मुहैया करवाई गई है, जैसे ये लोग बाहर ना निकले इस तरह से? अगर मैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात करूँ तो जब हमारा लॉकडाउन 21 मार्च के बाद शुरू हुआ था उस और हमारे पास यहाँ केसेस नहीं थे, उसमें हमारे हर पंचायत में लगभग एक स्कूल को हमने क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया हुआ था। इसके अलावा हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, अणु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारा पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और NGO भवन, इसको भी क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया गया था, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, और हमारा ये प्रयास था कि मैक्सिमम लोगों को हम इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर सकें। इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन जिन लोगों को किया गया था तो उनको हम उनको खाने पीने का पूरा पूरा जो प्रबंध है प्रशासन द्वारा किया जा रहा था, उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इसके अलावा हमने ये भरसक प्रयास किया कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अतिरिक्त हम 5वें या 6ठे दिन उनके सैंपल उठा लेते थे, और जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आती थी उनको घर भेज दिया जाता था।